This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in the description. Assalamualaikum everyone, this is me Syed Maz Gilani और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Maz Electronics। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो कि आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी सर्किट लेके आया हूँ जिसके जरिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपको पता है कि आजकल ई बाइक का दौर है और ई बाइक के दौर में हर बंदा जो है ई बाइक की बैटरीज बना रहा है, पावर बैंक की बैटरीज बना रहा है, और बैटरीज बनाने के लिए यूज होता है ये वाला लिथियम सेल। इस लिथियम सेल की कैपेसिटी चेक करने के लिए, चार्ज डिस्चार्ज चेक करने के लिए हमें स्पेशल एक मीटर की जरूरत होती है, स्पेशल टेस्टर की जरूरत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर, अपने दोस्तों के लिए एक स्पेशल जो है टेस्टर एक सस्ते प्राइस में बनाकर दिखाऊं, जो कि आप इस सेल की कैपेसिटी जिससे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ बहुत ही कमाल का एक बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर या बैटरी कैपेसिटी टेस्टर, जिसके जरिए हम अपने किसी भी 1850 बैटरी या सेल की कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी, कितने एमएएच का हमारे पास सेल है। और आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैं इसको मुकम्मल बनाकर दिखाऊंगा। इसको हमने अर्डिनो बेस बनाया है, इसके अंदर क्या क्या सामान इस्तेमाल किया है, किस तरह प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद साथ साथ हमने जो है इसकी पीसीबीज भी मंगवाई है, जो कि हमें भेजी है जेएलसी पीसीबी ने। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पीसीबी जेएलसी पीसीबी की तरफ से आई है, और इसको हमने इस पीसी के ऊपर, पीसीबी के ऊपर डिजाइन किया है। और जेएलसी पीसीबी एक वाहिद कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी प्रोफेशनल पीसीबीज बनाती है, और ये कंपनी चाइना में है। और अगर आप हाई क्वालिटी अपने लिए कोई भी पीसीबी बनाना चाहते हैं, $2-5 के अंदर आपको जो अच्छी प्राइस पे पीसीबी बन सकती है, $2-5 के दरमियान रेट चल रहा है, वो वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जेएलसी पीसीबी का, वहां से इस तरह की हाई क्वालिटी पीसीबीज बनवा सकते हैं। तो इसके लिए साइज की कोई लिमिट नहीं होती, छोटे से लेकर बड़े साइज तक आप कोई भी पीसीबी बनवा सकते हैं। तो जेएलसी पीसीबी ने हमें ये पीसीबीज भेजी है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो अब जो है टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, और मैं आपको दिखाता हूं इस बैटरी कैपेसिटी टेस्टर को किस तरह बनाना है, इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत है, और इसको फिर हम टेस्ट करके भी देखेंगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने कैपेसिटी टेस्टर को बनाना। So guys, first of all I show you how to order your PCB from jlcpcb.com. You have to go at jlcpcb website, and you can see that you can press this instant quote now button, and here is the page of where you can check your PCB parameters like dimensions, layers and PCB quantities and other parameter you will add according to your need. And after you done, you can add your gerber file, and after gerber file you can add your shipping address and save to cart. When you save to cart your PCB, you can secure to check out from this website. तो लीजिए दोस्तों, एक हफ्ते बाद ही हमारे पास आ चुकी है जी जेएलसी पीसीबी की तरफ से पीसीबीज, बहुत ही शानदार पैकिंग के अंदर आई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं वैक्यूम सील हुई हुई हैं, और जल्दी से अब हम इनको खोल लेते हैं ताकि हम इसके अंदर से चेक करें कि हमारी पीसीबीज कैसी हैं। पीसीबीज काफ़ी सारी आई हैं, तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं एक पीसीबी मैंने उठा लिया, और उसकी क्वालिटी देख सकते हैं किस तरह की है। उसके बाद जेएलसी पीसीबी का जो है लोगो देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी है, हमारा लोगो बैक साइड पर देख सकते हैं कितना अच्छा है और कितनी मजबूत पीसीबी है। इसको आप हाथ से भी तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते, और बहुत ही मजबूत पीसीबी भी बनाई है। उसके पास स्टेंसिल वगैरह इसके जितने भी होल्डर मास्क वगैरह टॉप क्वालिटी के हैं। तो अब बारी आ चुकी है कि मैं इसको पीसीबी होल्डर में लगाऊं, और उसके बाद हम इसके अंदर कंपोनेंट्स इंसर्ट करें, ताकि फिर हम इसको टेस्ट भी करें कि पीसीबी काम भी कर रही है या नहीं। तो सारे कंपोनेंट्स को हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। जितने कंपोनेंट्स के नेम है वो पीसीबी के ऊपर प्रिंट हुए हुए हैं, इसलिए मैं नेम नहीं बता रहा, आप पीसीबी के ऊपर देख के भी अपने कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जितने भी कैपेसिटर्स वगैरह हैं, रेजिस्टेंस वगैरह हैं, जितने भी कनेक्टर वगैरह हैं, ओलेड डिस्प्ले, हीट सिंक, FAT, सब चीज़ें हम इसके अंदर फिट कर देंगे। और उसके बाद हमने अर्डिनो नैनो के अंदर प्रोग्रामिंग करके फिट करना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग पहले कर लेंगे तो बाद में मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद ओलेड डिस्प्ले की भी वायरिंग वगैरह कर देनी है। तो यहाँ पर ओलेड डिस्प्ले जो है बहुत ही कमाल का, जिसके ऊपर हम अपनी सेटिंग कर सकते हैं एम्पीयर्स वगैरह की, क्योंकि ये डिस्चार्ज करता है हमारे सेल को, इसलिए कैपेसिटी का पता चलता है। तो डिस्चार्ज करने के लिए हमें डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसके साथ एक डिस्प्ले अटैच किया है, ताकि हम इस डिस्प्ले के ऊपर देख कर अपनी सारी जो कैपेसिटी वगैरह को देख सकें। उसके बाद इसके अंदर एक और आई सी है जो कि L M358 है,
वो जो है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसको हमने इसके साथ अटैच करना है, जिसके ज़रिए हमारी मुकम्मल कैपेसिटी जो है पता चलेगी। साथ सेंसर वगैरह भी इसके साथ अटैच किए हैं जो कि प्रॉपर एक कैपेसिटी हमें बताएंगे। तो रेडी हो चुकी है पीसीबी। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने मुकम्मल अपने जो है इस टेस्टर को कर लिया रेडी। कैपेसिटी टेस्टर है, इसके ऊपर यहाँ पर बटन लगे हुए हैं जिससे अप डाउन करके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। सेंसर लगा हुआ, आईसी लगा हुआ है, आर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ और एलसीडी डिस्प्ले है जिससे आप मुकम्मल सेंसर की डिस्प्ले देख सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम इसकी फिल्म उतार देते हैं ताकि हम अपना डिस्प्ले सही तरह देख सकें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके की जो है सर्किट मुकम्मल रेडी है। अब बारी आ चुकी है इसको पावर ऑन करने की। तो इसके साथ मैं 5 वोल्ट इन करके इसको पावर ऑन कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पावर ऑन कर दिया। जैसे ही पावर ऑन होता है माज इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो लिखा आता है, नाम लिखा था, और यहां पर आप इसकी सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर आप इसकी कुछ भी सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इसको अगर प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं जी अपनी बैटरी, ताकि हमें इसकी फिर सेटिंग वगैरह और चेंज करनी हो या इसकी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर देख सकें। तो लीजिए दोस्तों, बारी आ चुकी है अब इसको टेस्ट करने की। तो मैंने इसके साथ जो है यहाँ पर बैटरी का जो है होल्डर लगा लिया 18600 तक, हम यहाँ पर कोई भी बैटरी लगा सकें। तो एक मेरे पास ये सेल आ चुका है, ये हमने इसके साथ अटैच कर लेना, उसकी हमने कैपेसिटी चेक करनी है। तो इसको हम अटैच कर लेते हैं और उसके बाद पावर कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट। जैसे ही पावर ऑन होता है अब यहाँ पर देखेंगे हमारा माज इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो लिखा आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टमेंट करंट की ऑप्शन है, तो ये एडजस्टमेंट करंट कर लेते हैं कि कितने एमएएच तक आपने एडजस्ट करना है। तो मैं इसको 1000 एमएएच तक ले जाता हूँ, उसके बाद इसको लगा देता हूँ। और जैसे ही लगाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटी चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ टाइम लेगा, जितने का टाइम तक ये चलेगा उसके बाद जो है ये हमारी कैपेसिटी को बता देगा। तो अभी जो है काफ़ी देर वेट करते हैं जब तक ये हमारी कैपेसिटी को टोटल नहीं बताता। तो लीजिए दोस्तों, अभी कम से कम 10 मिनट चलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटी अभी जो हमारी आई है 113 mAh आई है। तो अभी भी 7 मिनट हो गए चलते हुए को। तो इस तरह आप किसी भी जो है लिथियम बैटरी, लिथियम सेल, लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल, उसकी जो है कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी का ये सेल है। क्योंकि अब इस तरह के जो सेल यूज होते हैं हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, 2000 mAh का, 1500 mAh का, 10000 mAh का, कुछ नहीं पता। तो इसके लिए हमें टेस्टर की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए हम इसकी कैपेसिटी को निकाल सकते हैं एक्यूरेट। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो टेस्टर के ऊपर आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये टेस्टर पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत हुई है। और उसके बाद जाते जाते आपने जो है JLCPCB को जरूर जो है विजिट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है JLCPCB का। और इस तरह की अगर हाई क्वालिटी PCBs बनवाना चाहते हैं तो JLCPCB को जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी मैं आप सब दोस्तों के लिए और कमाल कमाल के प्रोजेक्ट और कमाल कमाल की वीडियोज लेके आता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जाकर विजिट कर लेना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।